हेलो दोस्तों, ये लेक्सिस LS430 2005 मॉडल है। इसका जो पैसेंजर साइड डोर मोटर है, ये कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, विंडो मोटर। अभी हम इसको खोलेंगे, चेंज करेंगे और इसका जो प्रोग्राम है वो बताएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑटो सिस्टम ऑटो डोर के लिए लाजम ज़रूरी होता है। सबसे पहले दरवाजे के कवर को खोलते हैं, मोटर को बाहर निकाल के दूसरा यूज़ वन मोटर लगा के बाद में इसको रिसेट करेंगे और रिसेट करने का तरीका बताएंगे। बहुत से लोगों को इसका रिसेट करने का तरीका मालूम नहीं है। कवर को पहले निकालते हैं, इस साइड में एक स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलते हैं, स्क्रू को निकालते हैं। एक स्क्रू बटन के नीचे आता है, के बाद इस लाइट को इधर भी तीन बोल्ट आते हैं, स्क्रू आते हैं तीन, लाइट को खोलते हैं, क्योंकि इसका जो ग्रिप है वो बाद में मुश्किल से खुलेगा, इसलिए इसको अभी से डिस्कनेक्ट करते हैं। लाइट को निकाला, अभी कवर को हटाएंगे, बाकी क्लिप से कवर को हटा दिया। ये बहुत आराम से निकालना चाहिए इस केबल को, क्योंकि प्लास्टिक टूट जाता है बाद में मसला हो जाता है। ये इसके बाद स्पीकर को खोलेंगे, क्योंकि स्पीकर के अंदर शीशे को थोड़ा डाउन करते हैं, ये थोड़ा शीशे का एक बोल्ट स्पीकर के पीछे आता है, अभी स्पीकर को निकाल दिया, इसको डिसकनेक्ट कर दिया। अभी 10 मिलीमीटर बोल्ट एक इधर लिए लेफ्ट साइड में, और 10 मिलीमीटर दो बोल्ट है टोटल, इससे शीशे को सेपरेट करते हैं रेगुलेटर से। ये दो बोल्ट है, इसको आहिस्ता
से शीशे को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पकड़ लेते हैं ताकि नीचे ना आए। ओके अब इसके तकरीबन 6 बोल्ट हैं 10 मिलीमीटर के। इस पूरे रेगुलेटर को बाहर निकालते हैं। रेगुलेटर को निकाल दिया, निकाल रहे हैं। उसके बाद मोटर को डिस्कनेक्ट करेंगे। दो तीन बार मोटर को अप डाउन करके ये काम रोक देता है। अभी ये मोटर है इसलिए कस्टमर इसको चेंज करना चाहता है, कभी कभी रुक जाता है। अभी हम इसको लेकिन इसको बहुत एहतियात के साथ आखिरी बोल्ट खोलना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग है, उसमें इंजरी भी हो सकती है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ। तीन बोल्ट मोटर के टोटल। अभी एक हाथ से इसको पकड़ के दूसरे हाथ से बोर्ड को खोल के, क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रिंग है कभी कभी सीरीज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। देखो ये स्प्रिंग है, ये देखो। अभी सबसे पहले ये तो हो गया ख़राब मोटर। हम भी एक यूज़ वन रेगुलेटर से मोटर खोलते हैं। पैसेंजर साइड का मोटर है। बाद में मोटर को गाड़ी के साथ कनेक्ट करके उधर कनेक्ट करके उसको फ्लैश करके अभी आपको तरीका बताएंगे कि कैसे इसको रिसेट किया जाता है। क्योंकि आप इसको डायरेक्ट फिक्स नहीं कर सकते हैं, जब तक इसको रिसेट नहीं करेंगे इसका ऑटो सिस्टम फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपनी जगह पे नहीं आता है। अभी पूरा तरीका बताएंगे।
भी गाड़ी के साथ उधर का डोर के साथ कनेक्ट करके इसको फ्लैश करते हैं, स्विच को ऑन करके इसको ग्रिप लगा के उसके बाद बटन को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक बार प्रेस करेंगे, देखो नीचे की तरफ प्रेस किया, जब ये मोटर खुद बहुत रुक जाएगा उस टाइम ऊपर की तरफ बटन को प्रेस करेंगे। अभी ऊपर की तरफ प्रेस किया, अभी जब मोटर रुक जाएगा तो स्विच को बंद करके इग्निशन स्विच को बस अभी बंद करके अभी इसको फिक्स करेंगे और इसको 8 नंबर पे मार्क लगा के इसको फिक्स करेंगे। ये इसको 8 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे इसको 9 8 और 10 नो मैटर, लेकिन इससे काम तो ज़्यादा नहीं। इसको इधर सेट करके मोटर को फिक्स करके एक नंबर पे फिक्स करके आठ और नौ इसके बीच में, इससे ज़्यादा कमती होएगा तो ऑटो सिस्टम काम नहीं करेगा। इसको फिक्स करते हैं और इसका ऑटो सिस्टम देखते हैं। अभी सब कुछ वापस कनेक्ट करके अभी चेक करेंगे कि ऑटो सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अभी देखो सब फिक्स हो गया, इसमें विंडो का स्विच लगा के ऑटो ऑटो बिल्कुल बिल्कुल सही है। थैंक यू।